पता है जी, सब पता है। यहाँ से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से सीधे, सीधे से फिर दाएं, दाएं से बाएं, फिर सीधे। नाक की सीट पे दो फलांग के बाद सामने स्टेशन। बैठो गाड़ी में, फिर से शहर। मेरा क्या है, मैं तो इसकी हिफाजत के लिए बोल रहा था। जहाँ चाहे मरे, डर लगेगा तो आएगी दौड़ी दौड़ी मेरे पीछे। कहाँ गई कमबख्त? अरे भैया, ओ अरे भैया, आपने यहाँ से किसी पागल लड़की को जाते हुए देखा है? नहीं तो अब कहाँ ढूंढूं? जिसे ढूंढ रहे हो जल्दी ढूंढ लो, आगे घने जंगल हैं। मिल भी गई तो पहचान भी नहीं पाओगे। समझ में आया आपको? जल्दी जाओ, बहुत से जंगली जानवर हैं वहाँ। चला गया था मुझे छोड़कर? कहाँ चला गया था? ऐसी कोई छोड़ के जाता है क्या? अरे तू खुद ही तो आगे आगे गई थी, तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे जाने क्यों दिया? मैं बेवकूफ हूँ ना, पागल हूँ ना? तुझे तो मेरी फिक्र करनी चाहिए थी, तूने मेरी सुनी क्यों? तू मेरी सुनती कहाँ है? नहीं सुनती, मेरी मर्जी। तू तो मुझे डांट डपट कर रोक सकता था ना। अगर डांटता तो रोने लगती। तो क्या होता? रोती तो रोती, गुम तो ना होती। बहुत बड़ा बनता है मुझसे, ताकत वाला बनता है। हिफाजत करने चला था ना मेरी, ये हिफाजत की तूने, ये हिफाजत की। तो मुझे रोकता क्यों नहीं? चुपचाप मार खाए जा रहे, तुझे चोट नहीं लगती क्या? तेरी चोट भी इतनी मीठी है नैना, मार ले जितना मारना है। ए, मैंने तुझे हंसने से मना किया था, रोने के लिए नहीं कहा था। अब के तो मुझे छोड़ के चला गया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हंसी तो मेरी जान ले चुकी है। अलग अलग चले या साथ साथ? साथ साथ। करे
करने, जब मैं तुझसे बिछड़ी तो डर के मारे मेरी तो सांस ही रुक गई थी। डर तो मैं भी गया था नैना। तू और डर गया था, चल झूठा कहीं का। सच नैना, इतनी थोड़ी सी देर में मैंने सारे नरक देख लिए। सच, मुझे भी ऐसा ही लगा। करण, अगर मैं सच्ची में गुम हो जाती तो तू क्या करता? फजूल बात मत कर, अब सीधे सीधे चल। सच बता, अगर मुझे कोई जानवर खा जाता तो? अब नाटक बंद कर, सफर लंबा है। सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में पहुँचेंगे बस। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुँचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची, कितना मजा आएगा ना। मजे की बच्ची, दो घंटे बाद गाड़ी है, छूट जाएगी। तो क्या हुआ, एक गाड़ी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। पर तू छूट गया तब कहाँ मिलेगा? संभल के चलना, आगे कीचड़ है, फिसल गई तो बंबई की जगह भटिंडा पहुंच जाएगी। पता है जी, पता है, मुझे चलना आता है। अब देख क्या रहा है, खड़े खड़े हाथ देना। बोला था ना संभल के चल, गिर जाएगी। मैं तो मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखती क्या है, सामने नदी है, कपड़े उतारो और कूद जा पानी में। ना जी ना, मुझे शर्म आती है। ठीक आम लड़की की तरह हो जाएगी हुकुम, जिसे आप दोबारा देखना गवारा नहीं करेंगे। सर, हुकुम, करण तुम? आपके मेहमान को बापू ने बोला ना, तो हम लेकर आए ढोलपुर से। शाबाश, हमें भी शहर देखने का बहुत शौक था इसलिए। अच्छा किया, अच्छा किया। नवेली, हुकुम आपकी हवेली तो गांव वाली हवेली से भी बहुत बड़ी है। हाँ है ना, कब तक रुकेगा? अब आए हैं तो शहर देखकर ही जाएंगे, अगर आप कहें तो। जब तक तेरा जी चाहे रुक। बख्तावर। यस सर। करण को ठहराने का इंतजाम कर दो। ओके सर। आओ हमारे साथ भीतर चलो। हमें लेवाने कब आओगे जी? बहुत जल्दी। अंजलि, इतनी जल्दी क्या अमेरिका वापस जाने की? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? जहाँ मन लगा वहाँ तो आपने हमें रहने नहीं दिया भाई। अब यहाँ रहने के लिए कोई बहाना भी तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब अगर आप शादी कर ले तो हमें यहाँ कुछ और दिन ठहरने का बहाना मिल जाएगा, इस घर को खुशियाँ और हमें एक भाभी। कोई खास मेहमान? हाँ नैना, है तो खास मेहमान, कल ही गांव से आई है, बलवंत की बेटी करण के साथ। जय राम जी की। हम करण हैं, गांव से आए हैं। क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है तबीयत पानी।
लगता है मेम साहब ने कुछ खास ट्रेनिंग दी है आपको चुप रहने की। अरे जरा हिला डुला कीजिए तबियत। कमाल है, ये तो नकली है। पत्थरों के इस शहर में कुत्ते भी बुत हो गए। जवाब नहीं इस शहर का। जो आंखों को नजर आता है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों बड़े बुत साहब, आपका कहीं वो छोटी बुतियान के साथ कुछ लफड़ा तो नहीं? नहीं अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं छोटी मालकिन से कहकर सब फिट करा दूंगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो अरे करण तुम बाप रे, यहां तो कदम कदम पर खतरा है। आप कैसे रहती हैं इन खतरों में? बेहद तकलीफ से। आप मस्करी बहुत करती हैं। अब देखिए ना, गली की तो बात है, आपने कहा और हम शहर आ गए। अब जल्दी से हमें शहर दिखा दीजिए। शहर क्या, तुम तो बहुत कुछ देखोगे हमारी आंखों से।